सिक्सटीन में जो प्रेम्स में क्वेश्चन आए थे किसके जियोग्राफी के ठीक है तो दस क्वेश्चन आए थे दस क्वेश्चन देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्विंग सो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर्ड फॉलोइंग पेयर्स कम्युनिटीज समटाइम मैंसन इन न्यूज़ एंड इन द अफेयर्स ऑफ ठीक है तो हमको क्या दिया हुआ है कुछ कम्युनिटीज़ दिए हैं और किस किस देश में वो कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है इसकी बात करनी है तो इस क्वेश्चन को देखो यार हर आदमी क्या होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी नहीं है हमको पता रहता है न्यूज़ में हमने जनरली देखा होता है कि म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्याज मुस्लिम हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है तो थर्ड इज़ करेक्ट इफ़ थर्ड इज़ करेक्ट वी कैन एलिमिनेट विच ऑप्शन वी कैन एलिमिनेट दी ऑप्शन नंबर ए एंड बी तो ऑप्शन नंबर सी और डी होगा उसमें से सेकेंड देखते हैं मदेशीज़ क्या मदेशीज़ नेपाल के अंदर है बिल्कुल है मदेसीज जो है वो नेपाल के अंदर कम्युनिटी है सो so ये दोनों अपने को पता है तो so अपने पास दो दो ही ऑप्शन बचे थे तो so अपने पास आंसर क्या हो जाएगा सी दैट इज़ टू एंड थ्री ओनली करेक्ट हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हमको बात करनी है एन की मतलब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की फर्स्ट रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेकेंड इट इज स्प्रेड ओवर द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लोस बिकेम द चेयरमैन ऑफ एन जी आर बी एन रोटेशन बेसिस तो थर्ड इज इन करेक्ट इफ थर्ड इज इन करेक्ट दैन वी गेट द करेक्ट आंसर एज ए दैट इज वन एंड टू ऑनली अब थर्ड इन करेक्ट क्यों ये बताते हैं पहले तो टिक कर लेते हैं अब थर्ड इज इन करेक्ट बिकॉज इट इज द चेयरमैन चेयरमैन इज वट हुयरमैन चेयरमैन ऑफ एन जी आर बी ए इसका चेयरमैन कौन होता है इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर थर्ड इज इन करेक्ट फर्स्ट सेकंड सही है रिवर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दी नेशनल गंगा रिवर बेसिंग सेकेंड स्टेटमेंट भी रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट देशनल लेवल यस सो देशन थर्ड नंबर का वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट दूस ऑफ नीम कोटेड यूरिया है ना नीम कोटेड यूरिया का प्रमोशन क्यों कर रहा है अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि देखो भाई हमने पास जो गवर्नमेंट है वो नीम में बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है है ना मतलब को सॉरी नीम में नहीं यूरिया में बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है तो क्या होता और जो अपने पास जो मार्केट में जो यूरिया मिलता है उससे जो एग्री उससे उस का उसके कंपेयर में जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको जो यूरिया मिलता है वो बहुत चीप रेट में मिलता है तो जो इंडस्ट्रीज़ है जिनको यूरिया की ज़रूरत पड़ती है वो क्या करते थे ये सब्सिडाइज यूरिया को ब्लैक मार्केट से ले लेते थे ओके okay, सो so, जो बेनिफिट हम लोग फार्मा के लिए यूज़ करना चाहते थे वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया गया अब नीम कोटेड यूरिया जो होता है वो धीरे धीरे आ, यूरिया रिलीज़ करता है और ये जो है धीरे धीरे यूरिया रिलीज़ करना जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं आता क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हम लोग कहना चाहिए तेज़ी से यूरिया रिलीज़ होना चाहिए सो so, नीम कोटेड यूरिया स्लो डाउन द रेट ऑफ़ डिजोल्यूशन ऑफ़ यूरिया इन दिस सॉयल जिससे क्या होता है पहली फ़ायदा जो कि एग्रीकल्चर फार्मर्स को होता है वो ये है कि जो ये तुरंत एक साथ बहुत सारे यूरिया डाल देते थे किसके अंदर एक साथ बहुत ज़्यादा यूरिया ये जो डाल देते थे, थे अपने खेतों में वो एक साथ यूरिया निकलता था तो प्लांट ले नहीं पाते थे बट अगर नीम कोटेड यूरिया हमने इस्तेमाल किया तो जो प्लांट होंगे वो धीरे धीरे करके यहाँ पे रिलीज भी क्या होगा यूरिया धीरे धीरे होगा तो प्लांट भी धीरे धीरे के का लेंगे यूरिया इस्तेमाल कर लेंगे, लेंगे जिससे जो एफिसंसी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी और दूसरा जो इंडस्ट्रीज हैं इसको फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ब्लैक मार्केटिंग भी इसकी नहीं हो पाएगी सो दिस इज द रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दी एफ ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जी आई ए एच एस टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम वॉट इज़ दी ओवरऑल गोल्स ऑफ दिस इनिशियेटिव हमको जी आई ए एच एस का गोल्स बताना है ठीक है फर्स्ट टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फ्रेमिंग मॉडर्न फार्मिंग मैथर्ड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ आइडेंटिफाइड जी आई ए एच एस सो एज टू ग्रेटली एनहांस देर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सेकेंड टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस एंड देर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स एग्रीकल्चर बायोडावर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ थर्ड द प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल दी वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटीफाइज जी आई ए एच एस हमसे करट पूछा है तो जी करेक्ट आंसर इस बी दैट इज़ इसका काम क्या है टू आइडेंटिफाई सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशन फार्म्स, तो आंसर हो जाएगा बी दैट इज़ टू ऑनली ओके अब क्यों ये देखते हैं सो so, यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं नो no. जो जी आई ए एच एस है ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करता है इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मैथड्स ओके नॉट मॉडर्न फार्मिंग मैथड इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मैथड ट्रेडिशनल मेथड पे ही बेस्ड होता है तो फर्स्ट इन कट हो गया सेकंड तो करेक्ट ही है बिकॉज इसका हमको गोल्स पूछा है ना तो गोल्स इज़ व्हाट टू तो आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशंस और इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स एग्रीकल्चर बायोडावर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज को क्या करना अपना आइडेंटिफाई करना बचा के रखना जिससे हम लॉन्ग रन पे इस्तेमाल कर पाए थर्ड इज़ इन करेक्ट बिकॉज ये बोल रहा है दी द गोल इज़ टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वैराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिटीज सच आइडेंटिफाइज जी आई ए एच एस नो इट डज़ नॉट प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ओके सो दिस इज इनकरेक्ट इट फोकस ऑन जेनेटिक लेवल जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन है उस पर फोकस करता है तो थर्ड इज इनकरेक्ट हमसे कैट पूछा है कैट टू ऑनली ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है विच दी फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र हमको ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछी है तो याद रखना भाई इससे हमको क्या समझ लेना है इस क्वेश्चन से समझ लेना है कि यूपीएससी जो होती है वो बार बार डिफरेंट रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पूछती है तो आपको याद होना चाहिए यमुना का गंगा का ब्रह्मपुत्र का कृष्णा का गोदावरी का महानदी का कम से कम इतना का तो याद होना ही चाहिए इंडस का तो यहां पे हमसे ब्रह्मपुत्र की बात की गई है फर्स्ट दिबांग सेकेंड कामेक, थर्ड लोहित सेलेक्ट दि करेक्ट आंसर यूजिंग है ना, वो सब लोहित भी है, कामेक भी है, भी है। इसके कौन कौन से है? इसके अलावा तिस्ता भी है सुबान भी है ओके सो हमसे कैट पूछा है कैट हो जाएगा वन टू थ्री ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ओके सिक्स नंबर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रो इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन तो यहाँ पे मिलेट ध्यान माना चाहिए ठीक है विच आर दी फॉलोइंग इज आर करेक्ट ओके करेक्ट पूछा है हमसे फर्स्ट दिस इनिशिएटिव एम टू डेमोन्स्ट्रेट दी इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्निक इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विथ क्लस्टर अप्रोच second, poor, small, marginal and tribal farmers have a larger stake in these schemes. third, an important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crop to shift to millets cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrient and microaggression equipments. Galat.

मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव अ लार्ज स्टेक इन दिस स्कीम क्योंकि हमेशा हमारा जो फोकस होता है रेड इज ऑन मेनली हमारे पास इस स्कीम्स के अंडर हमारे पास फोकस किस पे है पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे तो जो बड़े फार्मर्स वो भी तो ऐसे ही कमा ले रहे हैं जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो ऐसे भी ऐसे ही कमा ले रहे तो हमारे जो गवर्नमेंट का काम क्या है कि जो छोटे किसान हैं क्योंकि गवर्नमेंट सबको एक ही चश्मे से देखती है चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो किसान किसान होता है सो so, यहाँ पे हमको फोकस किस किसपे करना है किसान पर लेकिन वो भी कौन से किसान पर पुअर किसान पे क्योंकि यहाँ पे इसके पास इतनी चीज़ें होती नहीं हैं तो इससे इसका डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है इसीलिए हमने इसको लॉन्च किया कौन सी इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर दी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन ओके सो सेकेंड इज करेक्ट और फर्स्ट तो सही ही है बिकॉज दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमॉन्स्ट्रेट द इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ये किस पे फोकस करता है इट फोकस ऑन द डेमॉन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वॉट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड सेकेंड थिंग इज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ओके और कुछ वैल्यूडेशन टेक्निक्स भी हैं जैसे कि जो कि किस में आते हैं इंटीटेट मैनर में आते हैं बट ये सब सही चीज़ है सो so, हमसे करेट पूछा करेक्ट हमने बता दिया वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास सेवन नंबर का इन विच आर दॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर दी सी एल गैस रिसोर्स फाउंड ये जो क्वेश्चन है दो हज़ार सोलह में आया था प्रियस में अगर आप दो हज़ार तेरह का जो क्वेश्चन देखोगे मैंने जो मेन्स में बनाया है तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था क्वेश्चन आया था कि जो रिसोर्स है हमारे पास सेल गैस और ऑयल्स के है ना हम उसको एक्सप्लोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्यों एनालाइज करो अब उसी मेन्स से पेपर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में देखो भाई कहाँ कहाँ पे सेल गैस मिलते हैं तो अगर आपने उसके मेंस का को क्वेश्चन बनाया होगा तो वहाँ पे आपने मेंशन किया होगा कि सेल गैस और ऑयल कहाँ कहाँ मिलते हैं तो अगर आपने मेंस का बनाया तो यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसीलिए तो क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है टू सॉल्व द प्रीवियस ए क्वेश्चन बोथ ऑफ मेन्स एंड प्रीलिम्स क्योंकि मेन्न से आप प्रीलिम्स का भी आंसर बना सकते हो और आंसर तो अगर आप प्रीलिम्स का दिए हो तो मेन्स का थोड़ा लिख भी सकते हो डाटा यहाँ पर कोट कर सकते हो मेन्स में सो इट इज एन इंटीग्रेटेड स्टडी ऐसा नहीं कि आप अलग अलग स्टडी कर रहे हो दोनों को इसका समय उसका उसका समय उसको ऐसा नहीं होता बस सो so, यहाँ पे जो है ना शील गैस के रिजर्व जो होते हैं वो कैम्बे बेसिन दैट इज़ बॉम्बे वाला जो रीजन है महाराष्ट्र में गुजरात वाला वहाँ मिलता है कावेरी बेसिन के अंदर मिलता है कृष्णा गोदावरी सबसे फेमस है सो so, करेक्ट हो जाएगा डी दैट इज़ वन टू थ्री सारे यहाँ क्या मिलता है ये सारे बेसिन के अंदर हमको क्या मिलता है अपने पास रिजर्व हैं किसके शील गैस के शील गैस, गैस का मतलब समझो यार रहा शेल गैस का मतलब ऐसे गैस कैसे गैस ऐसे गैस जो कि जिसके अंदर है रॉक्स के अंदर स्टोर्ड है रॉक्स के अंदर अंदर है तो उसको हम क्या करते हैं फ्रैक्चर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं उसको रिलीज करते हैं मतलब वहां से रिलीज करते हैं और वहाँ से इस्तेमाल करते हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास ओके एट नंबर का रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग रिवर्स वॉज अंडरटेकिंग रिसेंटली हमारे पास दो हजार सो, सोलह में क्वेश्चन आया था ना तो उस समय जो न्यूज़ में था दैट इज दी कृष्णा गोदावरी लिंकिंग जो इस कृष्णा गोदावरी इंटर लिंकिंग था वो उस समय न्यूज़ में था ठीक है इसलिए हमसे यहाँ पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी लिंकिंग दैट इज ऑप्शन नंबर बी Ninth number question recently, which of the following state has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to sea by a long navigational. चैनल्स तो ज्यादातर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स बेस में है जो साल भर न्यूज में चले हैं वहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं तो देखो कुछ होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन और कुछ डायनामिक पोर्स मोस्टली जो तीस से पचास क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो वो स्टैटिक और डायनेमिक का मिक्स ही होगा प्योरली स्टैटिक तो नहीं बोल सकते ना ही प्योरली डायमिक बोल सकते हो बट जो मिक्स है वो क्वेश्चन ज्यादा नंबर ज्यादा होता है तो इज मिक्स ओके सो यहाँ पे हम ये जो है ये प्योरली प्योरलीफ्यूर् करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमसे पूछा है आर्टिफिशियल इंडियन पोर्ट्स अपने पास कहाँ पर बनाए गए हैं अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो तो वैसे ही बहुत सारे पोर्ट्स तो आंध्रप्रदेश जरूरत नहीं है बनाने की छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है ये तो बहुत अंदर रहता है लैंड के इसलिए यहां पर भी कैसे आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाएंगे कर्नाटक में बहुत सारे हैं मेजर पोर्ट्स जैसे कि मेंंगलुरु तो जरूरत नहीं है बनाने की बट राजस्थान के अंदर जो गल्फ ऑफ जो कच्छ रीजन है ना ओके उस कच्छ रीजन में बनाया गया है आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट ठीक है इसलिए नेविगेशनल फॉर लास्ट क्वेश्चन है टेन नंबर का विद रेफरेंस टू दी एग्रीमेंट एट दू एन एफ त्रिपल सी दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीटिंग इन पेरिस इन टू थाउजेंड फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हमको करेट पूछा है टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो एन एफ मीटिंग हुई थी इसके बारे में हमसे करेट पूछा याद रखना द एग्रीमेंट वॉज साइन बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यू एन एंड इट विल गो इन टू अफेक्ट इन टू थाउजेंड सेवनटीन देखो भाई ये जो एग्रीमेंट है ना ये पेरिस को ट्वेंटी वन दट इज दैरिस एग्रीमेंट में इसको साइन किया गया था और ये जो दो हज़ार में साइन किया गया था, ही था 2015 में। लेकिन ये जो एफेक्ट हुआ था ए तो और डी हटा दिया कॉमन दोनों होगा थर्ड देखते हैं डेवलप कंट्रीज एक्नोलेज हिस्टोरिकल रिस्पॉसिबिलिटीज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट थाउजेंड बिलियन डॉलर अयर नो थाउजेंड बिलियन डॉलर नहीं है यहाँ पे हंड्रेड बिलियन डॉलर है सो so, यहाँ पे इसको क्या करना है यहाँ पे डाटा घर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा तो आंसर हो जाएगा टू ओनली सो दिस आर द्वेश्चन